हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि एचटीएमएल में हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूं। आपके पास नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, काम करने का तरीका सब पर एक ही है। यहां से मैं न्यू पेज ले लेता हूं और यहां पे कोडिंग करेंगे हम। तो यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं एचटीएमएल, फिर हेड, ठीक है। फिर यहां पे लिखूंगा टाइटल। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसको नहीं लिखना चाहिए, तो मैं अगर इसको मैं हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे एचटीएमएल के कोड पर, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एचटीएमएल और फिर यहां पे लिखता हूं बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी पे कोई कलर देना चाहते हैं तो यहां बीजी कलर करके आप कलर दे सकते हैं, या बैकग्राउंड करके कोई इमेज देना हो तो बैकग्राउंड करके दे सकते हैं आप, ठीक है। तो बीजी कलर अगर मैं कोई कोड लगाना चाहता हूं तो वो भी लगा सकता हूं, जैसे मैंने लगा दिया हैश, ठीक है। तो ये कोड लगा दिया हमने और ये कलर आएगा इस पे। अब यहां पर हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां ए सपोज कीजिए नॉर्मल तरीके से लिखना है, अब स्क्वायर लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके भी पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर एच वन टैग लगा देता हूं, या यहां पे लिख देता हूं पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज, ओके। तो यहां पे फॉन्ट साइज हम काफी थोड़ी बड़ी रखेंगे, ठीक है। तो कोलन लगाया और यहां पे कर देता हूं मैं 150 पिक्सल, ओके। ये कर दिया हमने, अब इसको क्लोज करेंगे तो ये फॉन्ट साइज काफी बड़ी हो जाएगी हमारी, ठीक है। ए अब स्क्वायर लिखना है हमें, तो स्क्वायर लिखने के लिए यहां पे लगाया हमने सुपर, सुपर टैग लगाएंगे, एस यू पी टैग लगाएंगे तो स्क्वायर ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको करेंगे क्लोज क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इसको करेंगे क्लोज, स्क्वायर का तो काम हो गया तो यहां पे क्लोज कर दिया हमने। अब फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस नॉर्मल तरीके से और प्लस बी भी नॉर्मल तरीके से, स्क्वायर को आपको ऊपर लिखना है तो यहां पे लिखिए सुपर, और स्क्वायर को जब ऊपर लिखना है तो यहां टू, और यहां से इसको करेंगे सुपर को क्लोज, ओके। तो ये इतना कर दिया हमने। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद पैराग्राफ को क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रिंट होकर आएगा। यहां पे बॉडी को क्लोज करता हूं, ठीक है, और देन एचटीएमएल को भी क्लोज कर देता हूं, ठीक है। बड़ा ही शॉर्ट सा ये वीडियो है और इसमें आप ये जरूर सीख जाएंगे कि इसको कैसे करना है। तो सेव करता हूं इसको और डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं, ताकि एस यू पी के नाम से इसको सेव करता हूं, sup.html, ओके। तो ये कर दिया सेव। आइए चलिए देखते हैं, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, डबल क्लिक किया हमने तो ये देखिए कलर एक आया ही हुआ है और इसके अलावा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम चाहे तो सबस्क्रिप्ट भी दे सकते हैं। आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार और क्या करता हूँ, पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ, ठीक है, और पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट क्या दे देंगे हम, लिखता हूं फॉन्ट साइज एस आई जेड ई, ओके। तो फॉन्ट साइज हम दे देते हैं। अब हम सुपर स्क्रिप्ट के जगह सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करके देखेंगे। अब सपोज कीजिए आपको लिखना है नीचे ए टू, नीचे लिखना है ए के ठीक नीचे टू लिखना है, तो यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे सब एस यू बी, ठीक है, सब लगाया हमने और यहां पर लिख देंगे टू, ठीक है, और यहां पे सब को क्लोज करेंगे क्योंकि अब तो लिखना नहीं है, तो ये क्लोज भी कर दिया हमने। और अब क्या करना है, प्लस बी टू, तो प्लस बी नॉर्मल तरीके से और फिर यहां पे लगा दिया सब, तो अब ये हो जाएगा ए टू प्लस बी टू, आप देख सकते हैं इसको, ओके। और अब सब कुछ हो चुका है काम हमारा, तो अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग को भी कर दिया क्लोज। अब देखिए ये जो आएगा ना, ये आएगा आपका ए टू प्लस बी टू लिख करके आएगा, तो ये हमने इसको सेव करा और अब इसको डबल क्लिक करके रन करवाते हैं। तो ये देखिए ए टू प्लस बी टू, ये आप देख सकते हैं ये ए के ठीक नीचे आया है, ये बी के ठीक नीचे आया है, और यहाँ पे ऊपर वाली बात है, तो जहां ऊपर होगा वो सुपर है और जहां नीचे होगा वो सबस्क्रिप्ट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।